भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में इस वर्ष भगवान वाल्मीकि जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सभरवाल और सिटी वाल्मीकि सभा के प्रधान अमृत खोसला की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जलंधर प्रशासन की ओर से ADC अमरजीत बैंस, SP ट्रैफिक गगनेश शर्मा, बिजली बोर्ड के सीनियर XCN सन्नी बग्गा, SDO गुरमीत सिंह और नगर निगम अधिकारी तथा भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधान विपिन सभरवाल ने मुख्य रूप से 16 अक्टूबर को जलंधर से भगवान वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर जाने वाली तीर्थ यात्रा के लिए जलंधर, कपूरथला तथा अमृतसर प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में चर्चा की और प्रशासन से मांग की है कि इन तीनों जिलों की एक समन्वय कमेटी बनाई जाए ताकि तीर्थ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को किसी तरह की मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर ADC अमरजीत बैंस ने कहा कि बहुत जल्द तीनों जिलों की समन्वय कमेटी बना दी जाएगी और जलंधर से चलकर भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर तक तीर्थ यात्रा की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर कमेटी के जनरल सचिव जितेंद्र निक्का ने कहा कि 10 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर में होने वाले हवन यज्ञ के लिए GT रोड से आश्रम तक जाने वाले मार्ग पर सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए तथा आश्रम के आसपास के क्षेत्र में महिला पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। इस मौके पर कमेटी के सरपरस्त दीपक तेलू ने कहा कि 19 अक्टूबर को जलंधर की परिक्रमा के लिए निकलने वाली शोभा यात्रा और 20 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में होने वाले समागम के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था तथा पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है। इस दौरान SP ट्रैफिक शर्मा ने यह आश्वासन दिया कि भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर तथा अन्य कार्यक्रम स्थलों पर 9 अक्टूबर से ही सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी। इस मौके पर आश्रम के जनरल सेक्रेटरी विजय सहोता ने आए हुए जिला प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। इस मौके पर बाबा अमरजीत कादरी, बाबा संगतनाथ, चरणदास सभरवाल, नरेश प्रधान, अशोक नाहर, जगदीश मित्तर भत्ती, सतपाल दादरी, मोनू कल्याण, चेतन नाहर, हंसराज, गोगा गिल, लाडी गिल, चेतन हांडा, गौरव कल्याण, गग्गी गिल, अज्जू लक्की, छोटा राजू, मोंटी बवेजा, रिंकू खोसला, विक्की खोसला, अश्विनी मास्टर, विक्की, अमजय सरवटे, रमन गिल, योगी सभरवाल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत ही साडे सपोर्ट है सही है ADC साहब, मेरे बड़े वीर प्रशासन अब सारा पुलिस प्रशासन और ADC साहब आज भगवान वाल्मीकि आश्रम एक तरह टिकन आए थे और परमात्मा का आशीर्वाद लेता जी। 10 अक्टूबर में विशाल हवन यज्ञ वाल्मीकि आश्रम, उस तो बाद विशाल तीर्थ यात्रा भगवान वाल्मीकि मंदिर अली महल तो जी हर साल की तरह इस साल भी आरंभ होनी है। भगवान वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर वो उपलक्ष्य के अज ADC साहब सारी कमेटी के नाल अज बैठ के मीटिंग की और जो जो रूट प्लैन जिस तरह यात्रा जानी है जिदा जिदा पिंड पिंडियों चो बसा आनी है सारी साढ़े बैठ के डिस्कस करके हूँ साढ़े नाल सारे रूट का मेहनत करन जा रहे हैं और कित भी यात्रा से सानू प्रॉब्लम ना आए। उस तो बाद जी 19 तरीक न भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी और सिटी वाल्मीकि सभा वालों जी शोभा यात्रा भी निकलनी है वो उपलक्ष्य भी अज ADC साहब ने साडला मीटिंग करके और सारा रूट दिना करना मैं दिल दियाँ गहराइया ना ADC साहब का तय दिलों धन्यवाद करदा अपनी समुची कमेटी वालों। जय वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिशा जो प्रशासन वालों तैयारियां की जानिया वो संबंध के अज असी जथेबंदी उन्होंने मीटिंग की है और इस तो बाद असी पूरे रूट का मुआयना करेंगे। मुआयने से जो भी सानू ट्रैफिक प्रबंध किए जाने वो देखे जाएंगे, सड़कों का देखा जाएगा जे कोई खराब हैगा जे कि कोई पोर्ट होल्स है वो ठीक करने हैं, बिजली तारा लमकदियाँ होंगे वो ठीक करानी है। तो इस तो इलावा होर भी जिन्हें सजावट के काम है जो कारपोरेशन ने किए जाने कारपोरेशन के अधिकारी भी आए हैं, पुलिस वालों भी आए हुए हैं, बिजली बोर्ड वालों भी आए हुए हैं। इस तो इलावा होर जिन्हें भी रूट के उत्ते प्रबंध किए जाने हैं उन्हों का मुआयना किया जाएगा और इस तो बाद ये आश्वासन असं इन्हों दें हैं कि भी जिन्हें भी प्रबंध है वह टाइम सिर हो जाएंगे, जिहड़ा अपनी यात्रा हैगी है वह और उस तो बाद जी शोभा यात्रा हैगी है वो कोई प्रॉब्लम ना।